दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बाजे मोहल्ला बेजोरा में पीडीपी नेता सज्जाद मुफ्ती के निजी सुरक्षा अधिकारी की संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। जीएनएस तक पहुंचने वाली रिपोर्टों में कहा गया है कि संदिग्ध आतंकवादियों ने शुक्रवार की नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर आने के दौरान सिपाही पर गोलीबारी की। उसे तुरंत उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने घटना की पुष्टि की और कहा कि मारे गए पुलिस वाले से एक AK-47 भी आतंकवादी ने छीन ली है। घटना के तुरंत बाद हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। पुंछ राजौरी को जम्मू से रेलमार्ग से जोड़ने का वादा फिर से पहाड़ियों में गूंज रहा है। चार दशक से हर चुनाव में सियासी दल अपनी पोटली से इस वादे को निकालते हैं, गुब्बारे की तरह हवा भरते हैं, पर चुनाव बीतने के साथ ही इसे फुस कर दिया जाता है। फिर अगले चुनाव के लिए इसे वापस पोटली में संभाल कर रख दिया जाता है। बता दें, तीन ओर से नियंत्रण रेखा से घिरे पंजाल की पहाड़ियों के बीच स्थित राजौरी पुंछ का बड़ा हिस्सा ज्यादातर समय पाक सेना की फायरिंग के कारण निशाने पर रहता है। कूटनीतिक दृष्टि से यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में सुरक्षा बलों की तमाम आवाजाही एकमात्र सड़क मार्ग से ही रहती है। ऐसे में राजौरी पुंछ को जम्मू से जोड़ने के लिए वैकल्पिक रेल मार्ग की योजना भी बनी थी, लेकिन धरातल पर नहीं उतर पाई। एक बार फिर रेल मार्ग के मुद्दे को सभी सियासी दल हवा देने में जुटे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि चुनाव के बाद रेल जमीन पर चलेगी या फिर कागजों पर ही दौड़ती रहेगी। जो राजौरी पुंछ के लोग थे उनका सपना था एक कि राजौरी पुंछ में रेल दौड़ेगी, वो मैं बता दूं आपको विद इन मंथ वो भी जो रेल का जो प्रोजेक्ट है वो भी पास होने वाला है, क्योंकि जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट जगदीश शर्मा जी हर बार हमारा मुद्दा उठाते हैं। लास्ट टाइम देखा होगा आपने कि हमारे जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए सोचा गया, उन्होंने भी वहां पे फाइट की हमारे लोगों के लिए। मैं आपको बता दूं, कुल मिला के जो सेंटर की जो सरकार है हमारी, वो जम्मू कश्मीर के बारे में सोच रही है, गरीबों में सोच रही है, और जो लोगों का सपना था हमारा यही सपना है राजौरी पुंछ के लोगों का कि हम भी रेल में बैठे। यहाँ पे जो सफर है हमारा पुंछ से जम्मू का वो कम से कम 6 घंटे लगते हैं हमें, अगर यहाँ से रेल जाएगी तो हमें 2 घंटे लगेंगे कम से कम, और ये जो सपना है ये जल्द से जल्द साकार हो जाएगा। और जो मोदी सरकार के 4 साल बचे हुए हैं 4.5 साल, उसमें जितने भी गरीब लोग हैं उन तक हर स्कीम पहुंचाई जाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए रैपिडो के साथ।